हाय गाइस, वेलकम टू टॉल स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें क्या कुछ स्टॉक में देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, क्या हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें कैनरा बैंक की, तो मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 1.5% की गिरावट बैंक के शेयर प्राइस में देखने को मिली। फिलहाल जो बैंक के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 101.95 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल जो हम बैंक के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं वो हम 75 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहे हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो बैंक के शेयर प्राइसेस वो अपने एक मजबूत सपोर्ट जोन पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इन केस अगर हमें इस सपोर्ट से रिवर्सल देखने को मिलता, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे वो 104 और 105 का लेवल रहेगा। इन केस अगर 104 और 105 के लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जिसे हम फॉलो करेंगे 108 का। इन केस अगर हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिलता और आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता 100.72 रुपए के लेवल का, तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो हम सपोर्ट फॉलो करेंगे 99.27 रुपए का। और 99.27 रुपए का ब्रेकडाउन आता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट हम फॉलो करेंगे 96.71 रुपए का। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैनरा बैंक के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।